गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जानेंगे। जो पाठ योजना टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस पाठ योजना का जो महत्व और इसकी आवश्यकता हमको क्यों आन पड़ गया, पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने पाठ योजना का अर्थ, परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकार है उसको हमने समझ लिया था। इसकी आवश्यकता और महत्व को हम आज समझ लेते हैं। सबसे पहला है कक्षा कक्ष में प्रयुक्त सहायक कक्षा कक्ष में प्रयुक्त सहायक सामग्री की पूर्व जानकारी। पहली जरूरत होती है हम इससे क्या होता है, कक्षा कक्ष में प्रयुक्त जो सहायक सामग्री है, जो भी टीचिंग मटेरियल है, उसकी हम पूर्व में जानकारी दे देती है। तो इससे क्या होता है, हमारी प्लानिंग से हम उसको सक्सेस और सफलता रूप से पूर्ण कर सकते हैं। तो इसको हम पूर्व जानकारी देने के लिए हमको इसकी आवश्यकता और बढ़ती है। सेकेंड विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण के क्रम को निश्चित कर देती है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण है, ठीक है ना, उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, उसके प्रस्तुतिकरण के क्रम और एक रूप को निश्चित कर देती है कि हाँ हमको इतना विषय वस्तु बच्चों तक प्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुत करना है। तीसरा समय का सदुपयोग कराती है। पाठ योजना के माध्यम से जो समय है, टाइम मैनेजमेंट, उसका सदुपयोग होता है। कक्षा कक्ष में इस इतने समय में इतना पढ़ाना है, तो समय के अकॉर्डिंग हम जितना कंटेंट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो कंटेंट हम आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग होता है और अनावश्यक समय का टाइम वेस्ट नहीं होता है, हम टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हमारी प्लानिंग लेके चलते हैं। अगला है प्रतिदिन निश्चित शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करती है। पाठ योजना से प्रतिदिन हम निश्चित जो शिक्षण उद्देश्य बनाते हैं, उस शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करवाती है और उसका निर्धारण करती है कि हम दिन के हिसाब से, रोज के हिसाब से, किस तरह से कंटेंट के हिसाब से हमारे शिक्षण उद्देश्यों को बनाते हैं। तो इस तरीके से प्रतिदिन निश्चित शिक्षण उद्देश्यों का ये निर्धारण करती है। अगला है अधिगम स्वरूपों में संबंध स्थापित करती है। अधिगम स्वरूपों में संबंध स्थापित करती है, शिक्षण क्रियाएं होती है, शिक्षण क्रियाएं के जो अधिगम स्वरूप है, अधिगम के जो भी रूप स्वरूप होते हैं, उनका क्या करती है, संबंध स्थापित करती है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया किस तरीके से जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अच्छे शिक्षण की विशेषता को बताती है। पाठ योजना माध्यम से अच्छे शिक्षण की जो विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को बताती है कि शिक्षण किस तरीके से करना है, शिक्षण उद्देश्य पूर्ति करना, शिक्षण सहायक सामग्री का सहारा लेना, शिक्षण विधियों पर सहारा लेना, प्रेजेंटेशन करना, मूल्यांकन प्रोसेस करना। तो ये सारी प्लानिंग से अच्छी विशेषताओं को बताने का कार्य कौन करती है, पाठ योजना कराती है। इसके साथ
कुछ और इसकी महत्व है उसको हम जान लेते हैं। अगला महत्व है अच्छी शिक्षण विधि का उपयोग। पाठ योजना में से अच्छी से अच्छी जो शिक्षण विधियां है उन शिक्षण विधियों के उपयोग पर बल देती है। हम पाठ योजना से हम ये प्लानिंग अच्छा सा डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किन मेथडों का किस तरीके से प्रयोग करना है। ठीक है, शिक्षण अगला है शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों से अवगत। पाठ योजना कक्षा कक्षा शिक्षण में आने वाली जो भी कठिनाइयां होती है दिक्कतें होती है उन दिक्कतों से शिक्षक को समय समय पर अवगत कराती है, तो आने वाली क्लास में वो इससे बेहतर प्लानिंग करेगा और इन समस्याओं के निवारण और दूर करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला है विषय वस्तु को क्रमबद्ध करती है। पाठ योजना विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध करती है। हम एक प्लानिंग के हिसाब से सामान्य से विशिष्ट चल सकते हैं, यानी पहले बच्चों को क्या पढ़ाना उसके बाद क्या पढ़ाना, यानी हम क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, बच्चों को धीरे धीरे सामान्य नॉलेज से विशिष्ट नॉलेज की ओर ले जाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला है कक्षा में शिक्षण का वातावरण तैयार करती है। पाठ योजना के माध्यम से हम देखते हैं कि कक्षा में जो भी शिक्षण का जो वातावरण है उस वातावरण को अच्छा बनाने का उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण इंटरेस्टिंग माहौल रोचक वातावरण कक्षा में बनाया जाता है ताकि बच्चा अपने अधिगम को अच्छा और प्रभावी बना सके। ठीक है, अगला है शिक्षण की सीमा को निश्चित करना। पाठ योजना में जो शिक्षण की सीमा है उसको निश्चित किया जाता है। अध्यापक को ध्यान रहता है कि मुझे बच्चों को इतना नहीं पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में नहीं आने की लिमिटेशन रखनी होती है कि हमको इतने समय में इतना ही पढ़ाना है ताकि बच्चा ज्ञान को व्यवस्थित रूप से कर सके, क्योंकि ज्यादा अगर ज्ञान देने के प्रयास करेंगे तो बच्चों के समझ से ऊपर भी जा सकता है। इसलिए समय की मांग के अनुसार उतना ही ज्ञान देना जो बच्चों को समझ में आवे, यानी कि उसकी कंटेंट को लिमिट करने का काम करती है, शिक्षण की सीमा को करने का काम करती है। ठीक है, पाठों के मध्य संबंध स्थापित करती है। पाठ योजना जो पाठों के मध्य क्या संबंध स्थापित करती है, जैसे कि ध्यान रहता है कि आज बच्चों को ये पढ़ाया उसके आगे उसको कल पढ़ाना और उसके आगे उसको नेक्स्ट पढ़ाना, यानी कि क्रमबद्ध रूप से संबंध स्थापित करती है। ऐसा नहीं होता है कि आज ये पढ़ाया फिर जैसे मान लो आज सेकंड चैप्टर पढ़ाया फिर उदाहरण छठा पढ़ा दिया फिर कल तीसरा पढ़ा दिया, तो इस तरीके से नहीं। योजना से आप पहले में फिर क्या क्या पढ़ाना है, दूसरा चैप्टर फिर क्या क्या पढ़ाना है, तीसरा चैप्टर क्या, तो पाठों के मध्य क्या है एक तरह से संबंध स्थापित करने का काम पाठ योजना करती है। और अंतिम है शिक्षक में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है।
पाठ योजना शिक्षक में क्या करती है, आत्मविश्वास उत्पन्न करती है, बच्चों के अंदर टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ बच्चों को सही पढ़ा रहा है, उसका जो उद्देश्य है वो सही से पूर्ण हो रहा है, बच्चों के शिक्षण का उद्देश्य सही से पूर्ण हो रहा है और एक बेहतर शिक्षण का माहौल तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से आज क्लास में पाठ योजना की जरूरत है और महत्व इसको समझा कि एक आदर्श पाठ योजना का जब हम निर्माण करने जा रहे हैं तो ये पाठ योजना हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और ये कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए इतनी आवश्यक और इतनी जरूरी क्यों समझी जाती है। इसलिए हमको क्लास में जाने से पूर्व एक योजना के अनुसार कार्य करना है, एक योजना बनानी है ताकि बेहतर से बेहतर प्लानिंग करके हम बच्चों को अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पाठ योजना की आवश्यकता है, क्या महत्व है, जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए उनको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और इसी के साथ अपने परिवार समाज राष्ट्र में विकास में अपना योगदान देना है। थैंक यू।